वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। दोस्तों, हर साल माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का त्योहार लोग धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस खास दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, जिसे आज पूरी दुनिया सच्चे मन से पूजती है। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं कैसे हुआ था माँ सरस्वती का जन्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पतझड़ के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है और वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही थी कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। तो आइए जानते हैं आगे पूरी कहानी के बारे में। दरअसल सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वह अपने सर्जना से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण मौन सा छाया हुआ रहता है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सलाह लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का और फिर पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। यह प्रकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला भी थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया और जैसे ही देवी ने वीणा बजाना शुरू किया, पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि फैल सी गई और संसार के जीव जंतुओं को वाणी भी प्राप्त हो गई। तभी ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी यानी कि सरस्वती कहकर पुकारा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि दोनों को ही प्रदान करती है। बता दें कि वसंत पंचमी के खास दिन ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वसंत पंचमी के दिन उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और विद्या और बुद्धि का वरदान भी मांगा जाता है। बुद्धि और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। बता दें कि माँ सरस्वती का संबंध बुद्धि से है यानी कि ज्ञान से है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है या आपके जीवन में निराशा का भाव बहुत बढ़ सा गया है, तो वसंत पंचमी के खास दिन माँ सरस्वती का सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही जीवन में सभी निर्णय लेने में सफल भी होंगे। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय माँ सरस्वती। तो दोस्तों, वेद संसार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, माँ सरस्वती के सच्चे भक्त जो माता सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं, कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।